हे गाइस, वेलकम टू लर्न केमिस्ट्री बाय तनुजित कोर। सो आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, टर्म सिंबल कैलकुलेट करेंगे। वैसे मैं आपको टर्म सिंबल करवा चुकी हूँ पिछली वीडियो में, दो वीडियो में इस पे दे चुकी हूँ, ये थर्ड वीडियो है। जो हमने टर्म सिंबल किए हैं वो पी टू कन्फिग्रेशन के लिए हमने किए, ठीक है। पी टू कन्फिग्रेशन मीन्स कार्बन का एग्जाम्पल, कार्बन के अंदर सिक्स एटॉमिक नंबर होता है, दैट मीन्स 1s2, 2s2 एंड 2p2। तो सो p2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम कर चुके हैं, आज हम करेंगे d2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। बिकॉज जो MSc में है आपके पास यही कॉन्फ़िगरेशन के टर्म सिंबल है, बट मैं आपको और भी बता दूंगी अगर इससे रिलेटेड टर्म सिंबल कैलकुलेट करने आए सो आप कैलकुलेट कर सकते हो। सेम मेथड है टर्म सिंबल कैलकुलेट करने का। सो उससे पहले होल फॉर्मेशन टर्म सिंबल के अंदर आपको समझना होगा, पिछली जो वीडियो है मैंने उसमें करवाया था आपको कार्बन का एग्जांपल। कार्बन के एग्जांपल का हमने एनर्जी लेवल डायग्राम का सब कर लिया था और ग्राउंड स्टेट डिटरमाइन करनी थी, वो भी हम कर चुके थे, वही उससे रिलेटेड है। वहां पे हमने 3 रूल्स पढ़े थे हंड्स रूल के, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है सो प्लीज पहले वो वीडियो जाके देखना, तभी ये वीडियो और अच्छे से क्लियर हो सकेगी। सो कार्बन के लिए हमने किया था, कार्बन का मीन्स p2 कॉन्फ़िगरेशन, और ऑक्सीजन में अगर हम बात करें दैट मीन्स p4 कॉन्फ़िगरेशन। आपको ध्यान रखना है pNO या p6-NO, इन दोनों के टर्म सिंबल सेम होते हैं, या dNO या d10-NO, इस तरह से। तो आपके पास जो टर्म सिंबल आए थे कार्बन के वो ये आए थे, सिंगलेट एस, सिंगलेट डी एंड ट्रिपलेट पी इन ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में बहुत सारे होते हैं बट हमने ग्राउंड स्टेट में डिटरमाइन किए थे। सो उसमें हमने हंड्स रूल के अकॉर्डिंग एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था, बट थर्ड जो स्टेटमेंट थी हंड्स रूल में, थर्ड क्या थी आपके पास, जो आपके पास स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो क्या था, 3p0 देन 3p, मतलब ट्रिपलेट ऑफ पी, इस तरह से स्टेबिलिटी ऑर्डर था। दैट मीन्स एनर्जी क्या थी यहाँ पे, कम थी। एनर्जी कम मीन्स स्टेबिलिटी ज्यादा, तो आपका जो एनर्जी लेवल डायग्राम था यहाँ पे क्या था, ट्रिपलेट p0। तो यहाँ पे हंड्स रूल के अकॉर्डिंग p4 कॉन्फ़िगरेशन है, वहां पे जो थर्ड रूल था वो क्या था आपके पास, अगर तो वैल्यू हाफ फील्ड से कम है, ऑर्बिटल्स की वैल्यू अगर हाफ फील्ड से कम है तो आपके पास क्या होगा, ये वाली स्टेट स्टेबल होगी लोअर वैल्यू ऑफ जे की। अगर आपके पास हाइयर है मीन्स हाफ देन मोर देन हाफ फील्ड है, मोर देन हाफ फील्ड जब भी होगा जे की वैल्यू ग्रेटर वाली स्टेबल होगी। तो ये तो है ग्रेटर वाली स्टेबल, सो उसके अकॉर्डिंग सेम ट्रिपलेट पी, सिंगलेट डी, सिंगलेट एस, ये भी क्यों पर, ये भी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था क्या था इसमें। ट्रिपलेट ऑफ पी आपके पास क्या है, ग्रेटर स्टेबल है, इसलिए उसकी जो एनर्जी है वो क्या है, लोअर एनर्जी मीन स्टेबिलिटी ज्यादा आपके पास। अब ट्रिपलेट पी किसके लिए स्टेबल है, आपको मल्टीप्लिसिटी बताई थी, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी का मतलब है क्या, 2s+1 की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा, दैट मीन्स लोअर इन एनर्जी होगा। सो ट्रिपलेट की ज्यादा होगी, अब यहाँ पे तो दोनों सिंगलेट सिंगलेट है, सिंगलेट सिंगलेट क्यों स्टेबल होगा था, बिकॉज एल की वैल्यू, उसके बाद जो सेकेंड रूल था एल की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी, यहाँ पे डी की वैल्यू ज्यादा होती है देन एस, क्योंकि एल की वैल्यू जो एस के लिए होती है वो होती है 0, इसीलिए स्टेबल है। उसके बाद पी की बात होती है, पी की बात सेम इसी के अकॉर्डिंग जे की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी वो आपके पास स्टेबल ज्यादा होगा, दैट मीन्स उसकी एनर्जी क्या होगी, लोअर, इसीलिए ट्रिपलेट को आप ट्रिपलेट पी टू इसीलिए लोअर है देन ट्रिपलेट p1 देन ट्रिपलेट p0, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टर्म एनालिसिस फॉर पी एंड डी कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे मैंने समराइज करके सारे के सारे p2 एंड d2 कॉन्फ़िगरेशंस के लिए या कोई भी pNO और dNO उसके लिए टर्म सिंबल मैं मेंशन कर चुकी हूँ, ग्राउंड स्टेट के लिए और अदर टर्म्स के लिए। आपको सिर्फ याद सिर्फ 4 सिंबल्स रखने हैं, 1, 2, 3, 4, बिकॉज इतने कॉम्प्लिकेशन में आपसे नहीं पूछे जाते, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ सारे के सारे। अगर p1 p5 है तो डबलेट ऑफ p ही आएगा आपके पास, P2 पिछला किया आपने तो उसमें ट्रिपलेट P आया था, सिंगलेट S एंड सिंगलेट D यहीं पे लिखा हुआ है, सेम P2 के लिए और सेम P4 के लिए। इसी तरह आज हम D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए करेंगे, जो D2 के लिए होगा वही D8 के लिए ही होगा, DN एंड D10-N के लिए टर्म सिंबल आपके पास सेम होंगे। उसके बाद अब यहाँ देखो, जो
D10 एंड P6 आप में सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट आ रही है। यहाँ पे तो आप मेंशन कर सकते हो डिफरेंट स्टेट, जैसे आपको पीछे टर्म सिंबल कैलकुलेट करना सिखाया है, बट D10 एंड P6 मींस फुली फेल के लिए आपके पास सिर्फ ग्राउंड स्टेट क्या है, सिंगलेट ऑफ S, वो कैसे है वो देखो, PX एंड P10। P6 का मतलब आपके पास क्या है, फुली फिल कॉन्फ़िगरेशन है, सो M की वैल्यू 1, 0, -1 ये आपको पता है। टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, दोनों की स्पिन क्या है उल्टी अपोजिट, सो 0 हो जाएगा ML, -1 और +1 को अगर आप ऐड करोगे तो वो भी 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर आप कर रहे हो 1 + 1 = 2, -1 - 1 - 2, तो +2 - -2 इज 0, तो दैट मींस S एंड N की वैल्यू क्या होगी 0। इसी तरह D10 की भी आपके पास वैल्यू क्या होगी 0। सो अगर आपके पास S की वैल्यू 0 आ रही है और मल्टीप्लिसिटी में वैल्यू में पुट करते हो तो ये क्या आएगा, सिंगलेट स्टेट, एंड L 0 आ रहा है आपके पास तो ये क्या आएगा, S स्टेट। L 0 के लिए S स्टेट होती है आपके पास, सो ओनली दिस टर्म इज अराइजेस सिंगलेट ऑफ S, इसीलिए यहाँ पे एक ही टर्म लिखी गई है सिंगलेट ऑफ S। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो नेट पॉइंट ऑफ व्यू, गेट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फॉर्मूला। इसके बाद हम D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए करेंगे, एक्चुअली उसके लिए क्या था, स्पेस कम पड़ रहा था, बट D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपके पास ये सारी की सारी हम ये टर्म सिंबल वहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, जैसे आपने P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए किया था। उसमें क्या था, आपके पास 45 माइक्रोस्टेट्स बन रही थी। माइक्रोस्टेट का मतलब वो मैं आपको कैलकुलेट करने की ट्रिक बताऊंगी क्या है, जस्ट सिंपल आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, n/r, n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n - r फैक्टोरियल। अब इसके अंदर देखो n क्या है, ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, एंड r क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर आपके पास कोई एग्जांपल दे दिया p3 कॉन्फ़िगरेशन लिखो या d2 के लिए टर्म सिंबल अराइजेस करो, तो आप सबसे पहले माइक्रोस्ट्रेट चेक करो कितनी है। जैसे मैंने सपोज p3 एग्जांपल दे दिया, p के अंदर क्या होते हैं, 3 ऑर्बिट्स होते हैं, तो इसका ट्वाइस करेंगे 6 एंड p 3, 3 इलेक्ट्रॉन्स बोले तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पे फैक्टोरियल में पुट करो, 6 - 3 = 3 फैक्टोरियल। जब इस फैक्टोरियल को खोलोगे क्या आएगा, 5 * 4 * 3 फैक्टोरियल, सो ये तो कैंसिल हो जाएगा, जैसे कैंसिल होगा आपके पास क्या आएगा, 3 * 2 * 1, सो कटिंग कर सकते हो आप देन, तो दैट मीन्स 20 माइक्रोस्टेट किसमें होगी, P3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। सो P2 करते हैं, आपने पिछला एग्जांपल P2 ही किया है कार्बन के लिए, सो देखते हैं, ये तो 6 ही रहेगा एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, सो 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 6 - 2 = 4 फैक्टोरियल, सो इसको ओपन करते हैं फैक्टोरियल को, 4 फैक्टोरियल, कटिंग हो जाएगी, 2 * 1 ही आएगा, सो 3 and 3 = 50, और आपने 15 माइक्रोस्टेट ही ड्रॉ किया है उसके अंदर। सो ये तो था आपके पास सारा का सारा माइक्रोस्टेट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, आप किसी के भी यहाँ से माइक्रोस्टेट कैलकुलेट कर सकते हो, D10, D2, D5, D6, किसी की भी, जिसकी भी आपको क्वेश्चन में पूछा गया है उसकी माइक्रोस्टेट सबसे पहले आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे, यहाँ से आपको हिंट हो जाएगा कितने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हैं। इसके बाद अगर आप टेबल ड्रॉ करना चाहते हो देन टेबल ड्रॉ कर सकते हो, वहाँ से आपके पास मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वैल्यूज पता लगेंगी, जैसे आपने पिछले टेबल में किया है, तो जैसे आपको वैल्यू पता लगेगी फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, टर्म सिंबल कैलकुलेट करेंगे ग्राउंड स्टेट के अंदर। सो हम D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए करते हैं, सो गाइस हम स्टार्ट करते हैं D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए टर्म सिंबल कैलकुलेट करने के लिए। इससे पहले P2 जैसे कॉन्फ़िगरेशन आपने की है, सेम आपने D2 कॉन्फ़िगरेशन कर दी, ठीक है, ये आपके पास 45 पॉसिबिलिटी है, 45 माइक्रोस्टेट्स हैं, माइक्रोस्टेट में आपको कैलकुलेट करना सिखा चुकी हूँ, कैसे होगा आपके पास n/r वाले फॉर्मूले से, ठीक है, n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल ओवर n - r फैक्टोरियल। अब 45 आया कैसे आपके पास, देखो n क्या है, d के लिए कर लो, सो आपके पास क्या होगा, 10 / d2, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, 8 आपके पास कट जाएगा ऊपर से, आएगा 9 एंड देन 5, 5 - 9 = 45, सो 45 जो है आपके पास क्या है, टोटल माइक्रोस्टेट्स है। तो यहाँ पे मैंने D2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया है अलग अलग आपके पास, प्लस 2
2+1 मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वायलेट नहीं करेगा। क्यों वायलेट नहीं करेगा? बिकॉज एक क्वांटम नंबर कहीं ना कहीं तो चेंज होगा ही होगा, ये मैं आपको करा चुकी हूँ। तो सेम वही क्वांटम नंबर एक चेंज होगा आपके पास, तो आपके पास d2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन को आपने फिल करना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल कर दो, इस तरह से कर दो, एक अपोजिट स्पिन सेम स्पिन से कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग हमने 45 पॉसिबिलिटी बना दिए। अब आपको ऐसे टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप d3 का करोगे तो 120 माइक्रोस्ट्रेट्स बनेगी, तो वो इम्पॉसिबल सा हो जाएगा आपके लिए बनाना। तो आप सिंपल मैक्सिमम ms और मैक्सिमम ml की वैल्यू लिखोगे। अब वो कैसे लिखोगे, आप क्या करोगे, l की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, टोटल l को प्लस कर दोगे और क्या आ जाएगा आपके पास, ms आ जाएगा और टोटल ml वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखो ms की वैल्यू कैसे आई है, अपोजिट स्पिन है, हाफ माइनस हाफ इज जीरो, एंड ml अगर आपने कैलकुलेट करना है तो +2 + 2 क्या आ जाएगा, 4। तो ये दोनों ऐड होके, सॉरी ऐड नहीं, बस 4 आ जाएगा आपके पास। इसी तरह आपके पास क्या आएगा, 2+1 = 3 एंड अपोजिट स्पिन तो है नहीं इसमें, तो हाफ प्लस हाफ इज 1। तो ये आपका सारा का सारा समीशन ऑफ एम एंड समीशन ऑफ एम एस वैल्यूज सारे के सारे नोट हैं यहाँ पे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। इसके बाद आपने क्या देखना है, मैक्सिमम एम एस एंड एम एल की वैल्यू देखनी है जिससे हम ग्राउंड स्टेट टर्म्स को कैलकुलेट कर सके इस टेबल के अकॉर्डिंग। सो मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ थोड़ा सा पार्ट जिसके अकॉर्डिंग आपको समझना ईजी हो जाएगा। आपको पता है l की वैल्यू 2 होगी, सो -2 to +2 तक वेरी करेगी। सो हम स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम ms एंड मैक्सिमम ml ml वैल्यू देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम है वो है 0 एंड 4, ms वैल्यू एंड ml वैल्यू, ठीक है। ये क्या है, टोटल वैल्यू। तो अगर टोटल वैल्यू है, अगर आपने लिखनी है तो ये कहाँ से, -l को l वेरी करेगा, मीन्स -4 to 4, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और ms, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल पॉसिबिलिटीज बनती हैं आपके पास। आप टोटल पॉसिबिलिटी को कैसे देखते हो, आप 2s + 1 lj, ठीक है। कोई एक कॉम्बिनेशन ले लो, सपोज पॉजिटिव वाला लिया करो, कोशिश किया करो 0 and 4, ये क्या l की वैल्यू, ये क्या है s की वैल्यू, तो ये तो क्या होगा सिंगलेट, l मीन्स g। अगर l की वैल्यू 4 है वो क्या होता है, जी 0 1 2 3 4 spdfg, ठीक है, 4 के लिए g, एंड g आपके पास अभी हम यहाँ पे नहीं लिख रहे, 4 ले सकते हो अगर आप लेना चाहते हो, तो वो हम सिंपल बाद में देखेंगे। तो सिंपल यहाँ पे बस स्ट्रॉन्ग सिंबल आ चुका है, वो यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद नेक्स्ट मैक्सिमम और मिनिमम देखेंगे, वो क्या है, 1 and 3, सेम इसी का ही क्या लेंगे, 1 के लिए क्या आ जाएगा ट्रिपलेट, एंड l क्या है 3 मीन्स f, ट्रिपलेट ऑफ f, ठीक है। अब ट्रिपलेट ऑफ f यहाँ से 21 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, वो 1 कैसे रहे आपको ये देखना है। जैसे 0 के साथ -4 वाले जितने भी टर्म हैं उनको आप क्या नेम दे दोगे, क्या सिंबल दे दोगे, सिंगलेट ऑफ g। 0 के साथ -3, 0 के साथ -2, 0 के साथ -1, 0 के साथ 0, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, इस टर्म के लिए 21 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, वो कैसे बन रहे हैं आपके पास, यहाँ पे 1 और 3 है आपके पास। 1 और 3 का मतलब क्या है, ये तो है l वैल्यू और ये है s वैल्यू, ठीक है। l वैल्यू कैसे वेरी करेगी, -3 -2 1 0 1 2 3, एंड s वैल्यू इज -1 0 and 1। तो यहाँ से आपके पास 21 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, -3 के साथ तीनों कॉम्बिनेशंस, -2 के साथ तीनों कॉम्बिनेशंस, -1 के साथ तीनों कॉम्बिनेशन, इस तरह करते जैसे -3 और -1 कहीं पे है तो आप क्या दे देंगे नाम, ट्रिपलेट ऑफ f, ठीक है। इसी तरह आप नेक्स्ट मैक्सिमम और मिनिमम देखोगे, इसी तरह नेक्स्ट, तो यहाँ आपके पास 5 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, यहाँ आपके पास 9 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो जैसे आपके पास मैक्सिमम मिनिमम खत्म हो जाएगा, लास्ट में 0 और 0 बचेगा, वहाँ पे एक कॉम्बिनेशन बनेगा सिंगलेट ऑफ s, यहाँ पे बनेगा सिंगलेट ऑफ d का, यहाँ पे बनेगा ट्रिपलेट ऑफ f का। अब यहाँ पे ये दो दो क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि कुछ कॉम्बिनेशन कुछ 1 1 है, यहाँ पे आ गया ये 1 1, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन के लिए हमें ये नेम देना ही था, तो इसीलिए आपको ये नेम देना पड़ेगा, साथ के साथ टर्म सिंबल डिनोट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास 45
ये तो थी D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अगर आपको D3 कॉन्फ़िगरेशन आ जाए एग्जाम के अंदर, तो सबसे पहले माइक्रोस्टेट एल की वैल्यू निकालो वेक्टर डायग्राम्स के अकॉर्डिंग। जैसे एल की वैल्यू निकल जाएगी, ये आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, वेक्टर डायग्राम के अकॉर्डिंग आप एल की वैल्यू निकालो। एल की वैल्यू निकलेगी, टोटल एल आ जाएगा, वहाँ से स्पिन भी आ जाएगी। आपको मैंने स्पिन भी बताया, P2 P4 के केस में क्या होता है, D2 D4 के केस में क्या होता है, वो मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो जैसे आपके पास एल की वैल्यू आएगी, मैक्सिमम ML चूज करोगे, माइक्रोस्ट्रिप निकालोगे। इसके बाद जैसे माइक्रोस्ट्रिप निकालोगे, उसके बाद सेम यही प्रोसीजर मैक्सिमम एंड मिनिमम चूज करोगे, जिसके कारण आप टर्म सिंबल को असाइन कर सकते हैं। सो ये तो था D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। P2 में कॉन्फ़िगरेशन करा चुकी हूँ। आई होप आपको ये क्लियर हो गया।